हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं बना रहा हूँ। सो डैट अभी जो यूट्यूब पे नया अभी अपडेट आया है, और आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिन लोगों को मालूम होगा वेल एंड गुड, जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक टिप है, और इससे आप अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो। किस तरीके का कंटेंट आप अपने चैनल पे डाल सकते हो, आपका व्यूज़ कम आ रहा है, आप कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके का वीडियो में डालूँ, किस तरीके का कंटेंट में डालूँ ताकि लार्ज ऑडियंस तक आपकी वीडियोस रीच करें। तो गाइस, सो भी नहीं, उस चैनल पे जाकर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और सपोर्ट करो। मेरा भी चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है, और इस चैनल पे मैं ढेर सारे ब्लॉग्स अपना डेली लाइफ के बारे में डालता हूँ, और इसमें मैंने जो चैट जीपीटी में यूज़ किया है सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव भी, और मैंने जो जो टाइप किया है, कंटेंट सर्च किया है कि कैसे अपने चैनल को ग्रो करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें आपको इंस्टेंट वहाँ पे जवाब मिलेगी और हेल्पफुल रहेगी। इतने भी गुरुज हैं, ये लोग टिप्स देते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इसको भी ट्राई करो चैट जीपीटी, और ये देखो यहाँ पे किस तरीके का टिप्स आपको मिल रहे हैं और हेल्पफुल है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया था वो आपको मैं दिखाऊंगा, आप चलो लेके चलते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटरफेस है ये, और यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन डाला था। सबसे पहले मैंने अपने चैनल के बारे में बताया और सब चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली कि ऐसा ऐसा सीन है, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, वीडियोस कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ, ये रहा टिप्स। देखो कैसे आ गया यहाँ पे, आप कैसे, मतलब ये टोटली आपको इंस्टेंट जवाब आपको यहाँ पे मिला है किस तरीके का आप वीडियोस कंटेंट डालते हो। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन करा, हेल्प मी व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई शुड अपलोड, तो यहाँ पे ये मेरे को मिल गया। ब्लॉग, अगर आपका चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है, तो आप अपने ब्लॉग के बारे में बताएं, डेली लाइफ एक्सपीरियंस एडवेंचर के बारे में बताएं, किस तरीके का हाउ टू अपलोड, ऑडियंस को बताएं किस तरीके का आप जो जो आप कंटेंट डाल रहे हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कॉमेडी या गेमिंग, कुछ भी कर रहे हैं आप, उस चीज़ को टिप्स को ऑडियंस को बताएं, अच्छे तरीके से समझाएं, तो इस तरीके से आपको इंस्टेंट जवाब मिल सकता है। जैसे कि मैंने पूछा कि मेरा चैनल का नाम ये अच्छा है कि नहीं, कैची है कि नहीं, इसका भी जवाब मिला यहाँ पे, और ये देख सकते हो आप लोग कि पटने का प्रशांत इज़ फाइन, इजी है, मेमोरेबल है। चैनल का नाम कुछ भी रख सकते हो लेकिन बहुत इजी, यहाँ पे यही बताया गया कि ईजी रखो जाके कैची हो और बोलने में ईजी रहे। यहाँ पे लार्ज ऑडियंस तक कैसे पहुँचे, यहाँ पे मैंने पूछा है, इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस, इंटरेस्ट ले रहे कि नहीं। मैंने पूछा कि मैं अपने चैनल पे टेक वीडियोस या ये सब ब्लॉगिंग चैनल पे टेक वीडियोस डाल सकता हूँ कि नहीं, तो ये बोला है कि अगर उस तरीके का ऑडियंस रहा तो ही डालो, अदरवाइज़ ब्लॉगिंग के लिए, अगर ब्लॉगिंग या ऑडियंस आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पे टेक वाला चैनल में वीडियोज़ काम नहीं करेगा, बट हाँ मिक्स मर्ज करके आप वीडियोज़ डाल सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बोला गया। तो ये सजेशन है और काफ़ी हेल्पफुल सजेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग यही करो, बट हाँ एक बार अगर आपके चैनल पे व्यूज़ कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कंटेंट डाल रहे हो कंटिन्यूसली डाल रहे हो बट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार यहाँ पे भी एक बार यूज़ करके आप अपना देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको दिखा दूँ, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है और कैसे तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई आता है, आप देखना। फिर देखिए थंबनेल कैसा क्रिएट करना है, मैंने थंबनेल के बारे में पूछा, तो ये देखिए आपको जवाब मिल गया होगा कि हाई रेजोल्यूशन इमेज, क्लियर इमेज होना चाहिए ताकि दिखे, सिंपल टेक्स्ट रहना चाहिए ताकि आदमी अच्छे तरीके से पढ़ सके, क्लियरली वो सिंपल रहे, ज़्यादा इधर उधर तड़क भड़क ना रहे, और इमेज जो आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा सा क्वालिटी उसका अच्छा होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, देखने में अच्छा लगे और उस पर क्लिक हो, ऑडियंस क्लिक करे। जैसे कि आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, जिनको जिनको इसके बारे में भी नॉलेज लेना था आपको मिल चुका होगा, आप जाएं अपने चैनल के बारे में जाकर वहाँ पे सर्च करें, सारी चीज़ें बात करें, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आपके कंटेंट रिलेटेड है आप शेयर करें वहाँ पे, वो आपको इंस्टेंट यहाँ पे हेल्प मिलेगा, और आई थिंक आपके चैनल को ग्रो करने में कुछ ना कुछ ज़रूर मदद मिलेगा, लाइक मेरे चैनल को भी मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा आप तक ये वीडियोस मैं पहुँचाऊँ, कंटेंट पहुँचाऊँ, और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, और कुछ सजेस्ट करना आप लोग को अगर ऐसा ही वीडियोस कुछ और चाहिए किस तरीके से, तो मैं आप लोगों के लिए ये कंटेंट बनाते रहूँगा अपने चैनल पे, और एक नया चैनल टेक पटनेकर प्रशांत के नाम से यहाँ पर अपलोड करूँगा।
सो गाइस बने रहो इस ब्लॉग चैनल पे, बट थैंक्स लॉट वॉच करने के लिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो एक लास्ट में मैंने एक और सर्च टर्म किया था और आप लोग को मैं दिखा दूँ कि ये मैंने क्या सर्च किया था आप लोग को। आई होप ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और अपने चैनल के लिए ऑब्वियसली यार, अगर जिनका भी नया चैनल है या ग्रो नहीं हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं इस चैनल इस चीज़ को भी। कि बहुत लोगों का ये सवाल होता है, बहुत टेक गुरुस कहते हैं कि वीडियोस ऐसे अपलोड करना है, पहले पब्लिक नहीं रखना है, अनलिस्टेड रखना है, फिर उसके बाद 10 मिनट या आधा घंटे बाद उसको पब्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूछी यहाँ पे कि किस तरीके से, तो यहाँ पे आपको उसका भी आंसर जवाब मिल चुका है कि आप 3 तरीके से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और ये आंसर आपको दिख रहा होगा क्या क्या है यहाँ पे। टैग्स वगैरह प्रॉपर यूज़ कीजिए, थंबनेल को अच्छे से अपलोड कीजिए, फिर उसके बाद वीडियोस को पब्लिक कर सकते हैं या अनलिस्टेड में भी अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।